Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button. And by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. Hi दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme U1 स्मार्टफोन का चार्ज टेस्ट. इसका मतलब यह है कि हम चेक करने वाले हैं कि Realme U1 को चार्ज करने में यानी 0 to 100% चार्ज करने में कितना टाइम लगता है. अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ. और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों चार्ज टेस्ट शुरू करते हैं और मैं इसे चार्ज करने के लिए Realme का एक चार्जर यूज़ करूंगा जिसका रेटिंग है 5 वोल्ट एट 2 एम्पीयर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Realme का ब्रांडिंग भी है. मैं आपको चीट नहीं कर रहा हूँ, Realme का ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे पहले ओप्पो का ब्रांडिंग हुआ करता था, अब ओप्पो का ब्रांडिंग इन्होंने हटा दिया है. और मैं इस कंपनी के साथ यानी बॉक्स के साथ जो केबल आया वही केबल यूज़ कर रहा हूँ. और अभी मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ तो देखते हैं कि कनेक्ट करने के बाद ये चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगाता है. यहाँ पे मेरा Realme U1 है, ये अभी 0% बैटरी पे है तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है. अभी मैंने इसे प्लग कर लिया है और अब इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ. यहाँ पे एक फ्लैप दे रखा है जो अजीब बात है और अच्छी बात भी है क्योंकि अगर पानी में फ़ोन गिर जाता है तो बच जाएगा. तो ये फ्लैप मैं हटाता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ. कनेक्ट करके इसे मैं यहाँ रख देता हूँ और विथ अ काउंट ऑफ 3 यानी 1, 2, 3 पे मैं इसे ऑन करूँगा. ठीक है, दोनों को, मतलब प्लग को भी और टाइमर को भी. 1, 2, 3 तो मैंने इसे ऑन कर दिया है. अब इसे ऑन करते हैं, देखते हैं कितने परसेंट चार्ज पे है. ये भी चार्ज परसेंटेज दिखाएगा. आप देख सकते हैं कि 1% पे चार्ज हो रहा है. मैं इसे ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मोस्टली ना फ़ोन हम ऑन करके चार्ज करते हैं, कोई ऑफ करके तो चार्ज करता नहीं होगा. कभी कभी कर लेते हैं अगर हमें जल्दी हो, किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, ट्रेन छूट रहा हो, फ्लाइट छूट रहा हो, तो हम कभी कभी ऐसा कर लेते हैं. पर मोस्टली इसका मुझे ना नया लोगो बहुत अच्छा लगा है. आपको कैसा लगा बताना ज़रूर है कमेंट सेक्शन बिलो पे. तो मोस्टली हम फ़ोन को ऑन करके चार्ज करते हैं. तो फ़ोन को ऑन होने देते हैं और देखते हैं कि कितना चार्ज परसेंटेज है. पासवर्ड डालता हूँ, देखना मत, ठीक है? देख लिया आपने, चीटिंग. और इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ, ब्राइटनेस कर दे यहाँ पे कम. और इसका चार्ज परसेंटेज आप देख सकते हैं कि ये चार्ज, फोकस कर ले भाई, एक सेकंड जी, फोकस कर लिया. इसका चार्ज परसेंट है 1%. आप देख सकते हैं कि ये 1% पे चार्ज हो रहा है. तो इसे अभी रखते हैं और हाफ एन आवर के बाद आगे मिलता हूँ कि आधे घंटे में ये फ़ोन कितना चार्ज हुआ है. तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद. तो दोस्तों अभी एग्जैक्टली हो चुका है आधा घंटा यानी 30 मिनट्स. अभी फ़ोन ऑन करते हैं और मैं अपना फेस दिखाऊंगा. ये हो गया अनलॉक. इस बार मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और चार्ज परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है. आप देख सकते हैं कि 30% यानी 30% चार्ज हो चुका है आधा घंटे में, यानी 0 to 30% इन 30 मिनट्स, जो कि ठीक ठाक स्पीड है. ज़्यादा बेकार स्पीड भी नहीं है, ठीक ठाक स्पीड है कि आधे घंटे में 0 to 30% चार्ज हुआ है. तो अभी मिलते हैं एक घंटे बाद और देखते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है. तो अब टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 1 आवर. तो हम चेक करते हैं फोन को. सबसे पहले फोन खोलते हैं, पासवर्ड डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और चेक करते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है यानी 1 आवर में. तो आप देख सकते हैं कि 1 आवर में 59% चार्ज हो चुका है 1 आवर में. तो 1 आवर में यानी 0 to 100% चार्ज होने में, यानी 0 to 60% चार्ज होने में हमें 1 आवर लगा है. तो सही स्पीड है मेरे हिसाब से, ज़्यादा बेकार स्पीड नहीं है क्योंकि एक घंटे में 60% आप इसे एवरेज स्पीड कह सकते हो, स्लो स्पीड तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी. 5 वॉट 2 एम्पीयर का हमें चार्जर देखने को मिलता है तो उस हिसाब से हमें चार्जिंग बिल्कुल सही स्पीड से हो रहा है. तो अभी मिलते हैं एक घंटे बाद और, मतलब आधे घंटे के बाद, और देखते हैं कि कितना परसेंट और चार्ज हो चुका है. तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद. तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 1 आवर 31 मिनट्स. मैं 1 मिनट लेट हो चुका हूँ. अब इसे फोन को खोलते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देखते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्ज हुआ है 85%, यानी 1 आवर 30 मिनट्स में 85% चार्ज हुआ है. मैं एक बार फोकस कर लेता हूँ ताकि आप लोग सही से देख पाओ. अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही से देख पा रहे होंगे. 85% 1 आवर 30 मिनट्स में, यानी 1 आवर 31 मिनट्स में चार्ज हुआ है, जो कि सही स्पीड है. इस स्पीड को हम बेकार नहीं कह सकते हैं
इस स्पीड को बकवास बेकार खचरा नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ हमें सिर्फ 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का चार्जर ही मिला है। उसे अगर हम कंपेयर करें और उसे कंसिडरेशन करें तो सही स्पीड पर चार्ज हो रहा है। मैं मिलता हूँ जब ये 100% चार्ज होगा तब मैं आपको मिलता हूँ, नहीं मतलब 100% पे मिलूँ या और 30 मिनट्स बाद मिलूँ, चलो देखते हैं, जो भी पहले होगा उसमें मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 2 आवर्स और हम फोन को ऑन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, फिर देखते हैं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और फोन खुल चुका है हमारा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 96% चार्ज हुआ है। इतने देर में 96% चार्ज हुआ, सही स्पीड है, 2 आवर में 96% चार्ज हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फ़ोन को जल्दी से जल्दी चार्ज करना है और आपका फ़ोन अभी 0% पे है और आपके पास 2 घंटे ही बाकी हैं तो ये 96% तक चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही बात है। अब मैं सीधा आपको मिलता हूँ जब ये 100% चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है एग्जैक्टली 2 आवर 26 मिनट्स 35 सेकेंड्स। इसे हम ऑफ करते हैं क्योंकि हमारा फ़ोन 100% चार्ज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा फ़ोन 100%, मैं एक बार फोकस कर लेता हूँ, ये हो गया फोकस, हमारा फ़ोन हो चुका है 100% चार्ज। यानी Realme U1 को 0 to 100% चार्ज करने में हमें टाइम लगा है कितना, हमें टाइम लगा है 2 आवर 26 मिनट्स एंड 37 सेकेंड्स। तो इतने देर में ये फ़ोन फुल चार्ज हुआ है, तो काफ़ी सही स्पीड है, बेकार स्पीड नहीं कह सकते क्योंकि इससे भी मैंने बेकार फोन्स देखे, जैसे Realme C1 जिसने लगभग 4 घंटे ले लिया था फुल चार्ज होने के लिए। तो ये फ़ोन उसके मुकाबले सही है, 2 आवर 26 मिनट्स में फुल चार्ज होता है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला और मैंने इसमें सिम भी नहीं डाल रखा है और कोई ऐप भी रिसेंट ऐप्स में नहीं चल रहा है, यानी सब क्लीन था। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कोई भी रिसेंट ऐप्स में कोई ऐप्स नहीं चल रहा है। पासवर्ड डालते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐप नहीं है, नो रिसेंट ऐप्स। तो उसके वजह से आपने सोचा होगा कि थोड़ा स्लो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने सारे ऐप्स हटा रखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा क्योंकि अब आपने देख लिया कि Realme U1 को फुल चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।